अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष और पश्चिमी यूपी प्रभारी मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आज सुबह पार्टी के जिले के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सर्किट हाउस में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर बैठक की। कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही भारत जोड़ो यात्रा पूरी होने के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम 26 जनवरी से शुरू हुआ है, जो कि 26 मार्च तक चलने वाला है, जिसमें हमें दरवाजे दरवाजे तक जाना है और राहुल गांधी की चिट्ठी देनी है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चार्जशीट देना है। सुनिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने क्या कहा। ये हम लोगों ने शुरू किया और ये 26 जनवरी से लेकर के ये 26 मार्च तक ये चलेगा। कल मैं मेरठ में था, आज मैं मुजफ्फरनगर जिले में, उसमें हम ये कार्यक्रम करेंगे। पहले खतौली में, फिर एक गांव है जलालपुर, क्या याद नहीं आ रहा मुझे, कांला रोड पर है, तो फिर वहां करेंगे। दो प्रोग्राम हैं, फिर दो प्रोग्राम कल शामली जिले में हैं। तो ये कार्यक्रम को लेकर के हम लोग आए यहाँ चल रहे हैं और कल मेरठ में थे, आज आपसे के बीच में हैं। मेरठ में आज अभी एक आध जगह और जाना है, इसके बाद मैं खतौली के लिए, मुजफ्फरनगर जिले के लिए रवाना हो जाऊंगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से देश भर में कांग्रेस से लोगों का जुड़ाव बढ़ा है। कहा कि कांग्रेस की बातों को जनता के सामने नहीं आने दिया जाता था, इसलिए 3500 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली गई ताकि कांग्रेस जनता की बात जान सके और अपनी बात जनता तक पहुँचा सके। सुनिए, आने वाली है, राहुल गांधी जी ने संसद में कहा 2 महीने पहले, कहा तो मजाक उड़ा दिया और हजारों करोड़ रुपया खर्च कर डाले इसी बात पे कि इनको कुछ नहीं आता, ये बकू है, ये है, वो है। उन्होंने साबित कर दिया कि मैं क्या हूँ। 3500 किलोमीटर की यात्रा जो राहुल गांधी जी ने करी है, भाजपा के नेताओं का ये कहना है केवल दाढ़ी बड़ी है, कुछ नहीं हासिल हुआ, क्या कहें वो, क्या हमारे सीने पर स्टूल लगे, क्या कहें वो, वही कह रहे हैं जो उनको कहना चाहिए था, लेकिन ये आप भी महसूस कर रहे हैं कि क्या बड़ा है। रामचरितमानस को लेकर छिड़ी सियासी जंग पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेता हमेशा ये चाहते हैं कि धर्म और जाति के नाम पर बात होती रहे ताकि जनता में ध्रुवीकरण होता रहे। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का, सभी जातियों और सभी वर्गों का सम्मान करती है, इसलिए कांग्रेस इस तरह की अनर्गल बातों में नहीं पड़ती है। सुनिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने क्या कहा। एक तरफ रामचरितमानस की नीतियां चल रही है और उधर ये बयान आ रहा है, आपका क्या कहना है दोनों बातों को लेकर? देखिए साहब, इन्हीं सब बातों की वजह से तो भारत जोड़ने की बात आ रही है ना। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश को या किसी जिले को या किसी प्रदेश को या देश को पाकिस्तान कहा जाएगा तो इसका मतलब ये तोड़ने का प्रयास हो रहा है ना। और उसके बाद जिस पार्टी के वो विधायक हैं, उस पार्टी के ना तो पार्टी अध्यक्ष कुछ बोल रहे हैं, ना तो प्रधानमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं और ना तो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में करते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये क्या सबका साथ लेके चलने की बात है? मुझे नहीं मालूम था संजीव सोम जी ने क्या कहा है, लेकिन आपने कहा उसका जवाब दे रहा हूँ। क्या ये सबको साथ ले चलने का प्रयास है? अरे आपकी योजनाओं में, आपकी नीतियों में, आपके प्रयासों में आपके विधायक ही तेजाब डाल रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आगे कहा कि भाजपा ने केवल राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, गरीबों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, विकास के नाम पर सिर्फ पैसा खर्च किया है। साथ ही कहा कि इस सरकार में संविधान की हत्या हो रही है। सुनिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने क्या कहा। के नाम पे करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपया खर्चा किया जा रहा है, वो भी गरीब जनता का। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, किसानों के लिए कुछ भी नहीं है, मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है, युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है, युवतियों के लिए कुछ भी नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्राइम, इसके अलावा कुछ नहीं। जिस प्रेस मीडिया के, जिस रिपोर्टर ने, जिस ऑडिटर ने, जिस संपादक ने अगर सही बात दिखाई, सही बात लिखी, तो अगर हमारे ऊपर ईडी के छापे डाले गए हैं तो आपके ऊपर भी इनकम टैक्स के छापे डाले गए, और एक के ऊपर नहीं डाले गए, लखनऊ में। ये तो लोकतंत्र का गला घोटने का काम है।
अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना व सब्सक्राइब करना ना भूलें। टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ऊषा कॉम्प्लेक्स, ईवेस्ट चौराहा, मेरठ।